हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आज हम बताएंगे आपको वन बैग सीमेंट इज इक्वल टू CFT यानी कि क्यूबिक फीट। एक बैग सीमेंट बराबर कितना क्यूबिक फीट होता है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है दिनेश नागर DNSS ब्लॉग्स। हम यहाँ पर हाईवे स्ट्रक्चर सर्वे से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, सो हमको पहले क्या करना होगा, सीमेंट की डेंसिटी हमको पता है 1440 केजी पर एम क्यूब होती है, और 1 m³ बराबर 1440 केजी सीमेंट होती है, ठीक। ये यहाँ से हमने जो है ना 1 m³ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 केजी सीमेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ से वन बैग सीमेंट इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, 50 केजी होता है। वन बैग में, एक बैग में जो सीमेंट आता है वो 50 केजी का सीमेंट आता है, ठीक। सो रिक्वायर्ड सीमेंट इन 1 m³, 1 m³ में रिक्वायर्ड सीमेंट क्या होगी, 1440 का अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमको पता चल जाएगा नंबर ऑफ बैग्स कितने हो जाएंगे, 28.8 बैग आ जाएंगे, ठीक। हमको बेसिक नॉलेज में ये पता होगा कि 1 m इज इक्वल टू 3.28084 फीट होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 m³ इज इक्वल टू 35314 CFT होता है, ये भी आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया अगर नहीं पता हो तो। फिर हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 28 बैग्स इजिकल टू 35314 CFT, ये कहाँ से आया, 28.8 बैग्स 1 m³ का होता है, और 1 m³ का ही 1440 केजी सीमेंट होता है, ठीक है। तो 1 kg की हम दोनों से तुलना कर देते हैं, यहाँ पर हमने ये तुलना कर दी। तुलना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 को इधर ले आएंगे, 35.314 के नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 bag सीमेंट इज इक्वल टू 35.314 डिवाइड बाय 28.8 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 1 bag सीमेंट निकल जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.226 CFT हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियोज़ आई बटन्स पे आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।